बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज मैं आपको भिंडी गोश्त पकाना सिखाऊंगा। आज मैं आया हूँ अपने ताया जी के घर, वहाँ पर वो भिंडी गोश्त पका रहे हैं, तो मैं आज आपको उधर से दिखाऊंगा कि ये भिंडी गोश्त किस तरह पकाते हैं और क्या तरीक़ाकार है। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर में भी इसे शेयर कीजिएगा। चले देखते हैं कि ये किस तरह पकाते हैं और इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। ये हमने जी 1.5 कप जो है ऑयल का लिया, उसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया। हम दिखाना भूल गए थे, लेकिन ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है। पहले इसे अच्छी तरह पकाएंगे। इसमें हमने थोड़ा सा प्याज डाला, वैसे ही डाला थोड़ा सा प्याज। अब हम इसके अंदर चिकन डालेंगे। चिकन की जगह आप बीफ और मटन भी डाल सकते हैं, तरीकाकार यही है जैसे चिकन को पकाना है। इस चिकन को हम फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, ताकि इसके अंदर से स्मेल ख़त्म हो जाए चिकन की। बिल्कुल ये फ्राई हो जाएगा और इससे बोटी भी नहीं टूटेगी और ये वो स्मेल वगैरह भी सारी ख़त्म हो जाएगी। इमली डालने लगे हैं, लेकिन पानी है। अब इसके अंदर हम इमली डालने लगे हैं, और इमली हमने तकरीबन 100 ग्राम के करीब डाली है इमली। तो आप इमली अपनी मर्जी से कम या ज्यादा डाल सकते हैं। नमक कितना जी? एक चम्मच नमक हल्दी, एक चम्मच अद्धा चम्मच हल्दी, सुरख मिर्च का कितना जी? एक चम्मच, एक चम्मच सुरख मिर्च। दादड़ी मर्च अद्धा चम्मच, कितना धनिया एक चम्मच, एक चम्मच साबत ही पानी है ना, ये साबत हरी मिर्च है। आज की हमारी रेसिपी भिंडी गोश्त पककर तैयार है। उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आज मैं अपने ताया जी के घर गया हुआ था, तो उनके घर में जो भिंडी है वो डिफरेंट स्टाइल से पकती है, तो मैंने कहा क्यों ना ये भी जो स्टाइल है वो आपके साथ शेयर किया जाए। आज ये रेसिपी मैंने उनकी शेयर की है आपके साथ। उम्मीद करता हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी आज की रेसिपी आपको पसंद आई तो अपनी फैमिली में इसे शेयर कीजिएगा जी,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।